हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, जो भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले हमें जो जो भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फायर्स पे, जरोधा पे, आप स्टॉक पे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें एपीआई लेनी होती है एंड उसे कनेक्ट करना होता है। तो फायर्स के ऊपर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो लोग जरोधा पे एपीआई लेके काम करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। एंड जरोधा पे एपीआई कैसे लेते हैं, उसे कनेक्ट कैसे करते हैं, उसका पता कैसे करते हैं कि हाँ वो वर्क कर रही है नहीं कर रही, ये एक बेसिक वीडियो है। तो कुछ भी पार्ट स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो अदरवाइज आपकी एपीआई कनेक्ट नहीं होगी, आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी ये वेबसाइट है नेक्स्ट लेवल बॉट, तो आपको यहां पर अकाउंट बना लेना है और अकाउंट कंपलसरी, अगर आप अकाउंट नहीं बनाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहला काम ये हो गया। सेकंड काम ये है कि आपको नेक्स्ट लेवल बॉट पे जाना है होम पेज पे एंड सबसे नीचे आना है, जिसे हमारी लैंग्वेज में फूटर कहा जाता है। यहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड एंड रिसोर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो प्रोसेस बता रहा हूं मैं जरोधा वालों के लिए बता रहा हूं, फायर्स वालों के लिए पहले बता चुका हूं, वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड अगर आप फायर्स के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, अभी अभी हमने डाउनलोड एंड रिसोर्स पे क्लिक करा तो हमारे सामने नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे, नेक्स्ट लेवल जो वेबसाइट है, यहां पर एक रिसोर्स पेज खुल गया। तो यहां पर हमने वो चीजें डाल रखी है जिन चीजों की आपको जरूरत होती है एंड आप बार बार हमें कॉल करके या मैसेज करके पूछते हो, तो आप डायरेक्ट उन चीजों को यहां से यूज कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं जरोधा की। तो जरोधा के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एपीआई चाहिए होती है। तो एपीआई लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये दिख रहा है एपीआई डैशबोर्ड, तो हमें काइट पे क्लिक करना है। ये एपीआई डैशबोर्ड के नीचे जो काइट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी तो मेरी एपीआई क्रिएट है तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं यहां आता क्या है। यहां पर आपको ये ऑप्शन आएगा, ये मतलब आप लॉग इन तो आप हो गए नहीं, अगर लॉग इन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पर न्यू अकाउंट बनाना होता। काफी लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, वो कहते हैं कि हम ना आ रहा तो जरोधा पे अकाउंट है तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको जरोधा पे अकाउंट है, जब भी आपको यहाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जरोधा वालों का डेवलपर काइट अकाउंट है, वो उनका ट्रेडिंग अकाउंट है और ये डेवलपर काइट अकाउंट है। फिर दूसरी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने जो जरोधा पे मेल आईडी डालनी है वही डालनी कंपलसरी है। नहीं, आप कोई सी भी मेल आईडी डाल सकते हो, उससे मैटर नहीं करता। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आप जरोधा वाली भी मेल आईडी डाल सकते हो या आप कोई सी भी मेल आईडी डाल सकते हो, उससे मैटर नहीं करता। तो आपको साइन अप करने के लिए इस पे क्या करना है, मेल आईडी डालनी है, अपना नाम डालना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आपको याद रखना है, फोन नंबर डालना है, स्टेट डालना है, उसके बाद आपको आई एग्री टू सारी टर्म एंड कंडीशन करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे सारी चीजें, मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपको फिर उसके बाद लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूं, जब आपकी डिटेल हो जाएगी तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। तो आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिखेगा, जो माई ऐप है जीरो, क्योंकि आपने कोई एपीआई क्रिएट ही नहीं करी और आपको कुछ दिखेगा कैसे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एपीआई क्रिएट करनी है और एपीआई क्रिएट करने के लिए जरोधा 2000 रुपये लेता है आपसे। मैं पहले बता दूं आपको, फायर्स फ्री देता है पर जरोधा आपसे 2000 रुपये लेता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिलिंग के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ये बिलिंग के ऑप्शन पे गए तो यहां पर जरोधा आपको दो ऑप्शन देता है। एक तो देता है कि आप अपने जरोधा अकाउंट से 2000 रुपये कटवा सकते हो, उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एंड लॉगिन करना पड़ेगा, 2000 रुपये कट जाएंगे लॉगिन करने के बाद। दूसरा ऑप्शन देता है कि आप 2000 रुपये को ऐसे ऐड करके नेट बैंकिंग, कार्ड, वॉलेट, ईएमआई, जो भी ऑप्शन दे रखे इसके बेस पे आप 2000 रुपये ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो दोनों में से कोई भी चीज कर लीजिए, जब आप दोनों में से एक चीज कर लेते हो तो वो 2000 रुपये आपको यहाँ ऐड बिलिंग में शो होते हैं। तो अब उस 2000 रुपये से आप एपीआई क्रिएट करते हो, जब वो 2000 रुपये की आप एपीआई क्रिएट कर लेते हो, 2000 रुपये इधर ऐड कर देते हो, तो आपको यहाँ हिस्ट्री में भी शो होते हैं कि आपने 2000 रुपये दिए। तो अब आप क्या करोगे, जब आप बिलिंग कर दोगे तो बिलिंग करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप बिलिंग करोगे, अगर आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, इस मेथड का यूज कर रहे हो, तो पेज अपने आप रिडायरेक्ट होके आना चाहिए, आप पेज को काट नहीं देना बिलिंग करने के बाद। जब आप पेमेंट करोगे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होके इसी पेज पे आ जाएगा, अदरवाइज आप काट दोगे हो सकता है कि आपको फिर सपोर्ट करना पड़े, वो 2000 रुपये यहां पर आपको शो ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जब भी मैंने बोला कोई भी पार्ट आप स्किप करते हो तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अब आ जाते हैं जब हमने बिलिंग कर दी, आगे का ऑप्शन माई ऐप पे जाना है। माई ऐप पे जाने के बाद आपको क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके 2000 रुपये कट जाएंगे। तो क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है।
तो हम आपके सामने ये सारे ऑप्शन आएंगे। अब यहां पर सारी चीजें कंपलसरी है, बस इस चीज को छोड़ के, जो पोस्ट बैक यूआरएल है इसको छोड़ के सारी चीजें कंपलसरी है, एंड आइकन भी ये कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, बाय डिफॉल्ट ये 2000 रुपये पे सेलेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपको ऐप नाम डाल, ऐप का नेम डालना है, तो हमें यहां डालना है नेक्स्ट लेवल बॉट स्मॉल लेटर में। उसके बाद ये पूछेगा भाई रिडायरेक्ट यूआरएल ये क्या है, किस बॉट के साथ आप काम करना चाहते हो। तो हम जाएंगे डाउनलोड एंड रिसोर्स वाले पेज पे जिसपे हम पहले गए थे। यहां पर ये रिडायरेक्ट यूआरएल नाम का ऑप्शन बना रखा है, उसके नीचे हमने सभी के रिडायरेक्ट यूआरएल दे रखे हैं। तो आपको चाहिए जिरोधा का, तो जिरोधा पे क्लिक करना पड़ेगा, हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको इधर जाना पड़ेगा इनके एफपीआई डैशबोर्ड पे, मैं चले जाता हूं, और उस यूआरएल को यहां पर डालना पड़ेगा। अब यहां पर जब ऐसे आप यूआरएल डालोगे, यहां पर एक चीज लिखी है लास्ट के अंदर इक्वल के आगे यूअर आईडी gmail.com, तो आपको इसको डिलीट करना है। और आपने नेक्स्ट लेवल वेबसाइट पे जिस मेल आईडी से अकाउंट बनाया है, याद रखना जिस मेल आईडी से अकाउंट बनाया है नेक्स्ट लेवल वेबसाइट पे, वो मेल आईडी आपको ऐड करनी है। ये ओनली फॉर प्रोसेस है वो जिरोधा के लिए, अगर आप फायर से ऐड करते हैं वहां मेल आईडी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, पर जिरोधा के लिए यहां पर आपको मेल आईडी डालनी है। तो मैंने एज ए एग्जाम्पल यहां डाला है yourid@gmail.com। इधर आपको जो आपने हमारे एक्सचेंज पे नेक्स्ट लेवल बॉट पे अकाउंट बनाया वो मेल आईडी डालनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपका जो दिल करे वो लिख दीजिए, मैं मोस्टली लिखता हूं आई लव बॉट ट्रेडिंग, तो मैं लिख देता हूं आई लव बॉट ट्रेडिंग। एंड जैसे मैं ये लिखता हूं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर अपनी क्लाइंट आईडी डालनी है, ये याद रखिए कैपिटल में आपको क्लाइंट आईडी डालनी है, एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगी, इसमें लिखा होगा कि आप इस चीजों को एग्री करते हो और आई अंडरस्टैंड आपको टाइप करना होता है। तो कैपिटल लेटर में आप जैसे आई अंडरस्टैंड टाइप करोगे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की एपीआई दिखेगी। मेरे पास आपको दो दिख रही है, वो दो इसलिए दिख रही है कि मेरी एक कैंसिल हो गई, मेरा पहले मैंने दो एपीआई क्रिएट करी थी, काफी टाइम से एपीआई यूज कर रहा हूं मैं एज ए डेमो ट्रेडिंग के तौर पे। तो आपको इस तरीके से एपीआई दिखेगी, आपको एक ही दिखेगी जिसके अंदर लिखा होगा एक्टिव। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, मैंने क्लिक करा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारी चीज दिखेगी। आपको यहां पर दो चीजों की जरूरत है, ये एक एपीआई की है और उसके नीचे लिखा सो सीक्रेट की, तो आपको इस पे क्लिक करना है, ये दोनों चीजों की जरूरत है। अब इन दोनों चीजों को हमारी वेबसाइट पे आपको ऐड करना है। मैं सारी चीजें है ना बड़ी प्यार प्यार से बता रहा हूं, जिससे आप थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, हम अपनी नेक्स्ट लेवल वेबसाइट पे जाना है और लॉग इन तो हमने कर रखा है, तो हमें डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट लेवल वेबसाइट पे, तो हमारे सामने ये पेज शो होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, जो इनका ऑफिशियल पेज है वो शो होगा, ये हमारे सामने शो हो रहा। तो हमें यहां क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एपीआई क्रेडेंशियल, हमने क्लिक कर दिया। एपीआई क्रेडेंशियल पे क्लिक करने के बाद यहां पर हमें अपनी एपीआई ऐड करनी है। तो यहां पर हमसे तीन चीजें पूछी जाती है, पूछी तो चार चीजें जाती है, ऐप नेम, एपीआई की, पब्लिक की और टाइप। अब मैं बता देता हूं इन चारों में आपको जिरोधा के अकॉर्डिंग क्या डालना है। ऐप नेम में तो आपको डालना है नेक्स्ट लेवल बॉट, इस चीज को आप ध्यान रखिए, वो भी स्मॉल लेटर में, मैं कर देता हूं नेक्स्ट लेवल बॉट। उसके बाद ऐप की में डालना है आपको, यहां से इस चीज को कॉपी करके लाना है, ये ऐप की है, इसे कॉपी करके लाना है, मैं कॉपी कर देता हूं कंट्रोल सी से, एंड यहां पर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको जाना है फिर से यहां, एंड सीक्रेट आईडी कॉपी करनी है। अभी आपको पता नहीं शो नहीं हो रही थी, शो करने के बाद मैंने शो हुई है, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। तो आपको इसको कॉपी करना है, एंड मैंने कंट्रोल सी से कॉपी करा, एंड यहां पर मैंने इस चीज को डाल दिया, ये दोनों चीज डाल दी। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है कि किसके लिए, तो हमें यहाँ बाय डिफॉल्ट जिरोधा ही मिलता है। आपको अगर ना मिले तो आपको जिरोधा सेलेक्ट करना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको आपकी एपीआई यहां पर दिखेगी। मेरे को दो दो इसलिए दिख रही है क्योंकि मेरी पहले से एक ऐड थी, तो आपको अपनी सिंगल दिखेगी जिसके आगे, मतलब कुछ इस तरीके से दिखेगी, सेम इस तरीके से, तो इसके आगे क्रॉस का मार्क होगा, आपको इस क्रॉस के मार्क पे क्लिक करना है। जैसे आप इस क्रॉस के मार्क पे क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आपका ग्रीन कलर का मार्क बन जाएगा, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूं, इस तरीके का मार्क बन जाएगा। इसका मतलब अब आपकी एपीआई हमारे एक्सचेंज पे कनेक्ट हो गई, हमारे नेक्स्ट लेवल बॉट पे कनेक्ट हो गई, आप इसका यूज कर सकते हो। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप पे, अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ऑप्शन उन्हीं लोगों का काम करेगा जिन्होंने नेक्स्ट लेवल
जो हमारी वेबसाइट है मेंबरशिप ले रखी होगी। मेंबरशिप कितने की है? 499 की है, प्लस जीएसटी 520, 2100 रुपये पड़ते हैं आज की डेट में। तो आपको अगर मेंबरशिप लेनी है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ लिखा होगा आपके आगे गेट मेंबरशिप, मेंबरशिप ले लेना। आप ऑनलाइन पेमेंट किसी भी मेथड से कर सकते हो, देख लेना कौन कौन से मेथड है। मेंबरशिप लेने के बाद आपको आपका प्लान दिखता है, मेरा जैसे 1 साल दिख रहा है कि मेरे 316 दिन रह गए, ऐसे आपका प्लान दिखता है कि आपके कितने दिन की मेंबरशिप है। बाय डिफॉल्ट ये 30 दिनों की होती है, 30 से 31 दिन की, जो भी आप एक बार देख लेना। एंड कई बार अच्छा, ये आपने मेंबरशिप ले ली, मेंबरशिप लेने के बाद आपको एक्सचेंज का ऑप्शन जो दिख रहा है जब भी काम करेगा। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो एक्सचेंज का ऑप्शन काम नहीं करेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हम एक्सचेंज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो मेरे पास मेंबरशिप है इसलिए मेरा एक्सचेंज का ऑप्शन इस तरीके का खुला। एंड यहाँ पर आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो एक्सचेंज हम सपोर्ट करते हैं बोट ट्रेडिंग के लिए। तो अभी हम 3 ही सपोर्ट करते हैं, जरोदा, फायर, सपस्टॉक। आप चाहो तो तीनों में एक साथ ट्रेड कर सकते हो, एक मेंबरशिप में आप तीनों में ट्रेड कर सकते हो, और मंथली मेंबरशिप होती है 499 प्लस जीएसटी। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, अब आपको जरोदा पे वन टाइम क्लिक करना है। तो जैसे आप जरोदा पे वन टाइम क्लिक करते हो तो आपके सामने एक, अभी ये मेरा ऑथराइज सक्सेसफुल आया, आप फर्स्ट टाइम करोगे तो एक यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपको उसे ऑथराइज करना होगा, देन ऑथराइज सक्सेसफुल आएगा। इसका मतलब है कि आपकी एपीआई कनेक्ट हो गई। अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा होगा तो हो सकता है कि आपका पे ऑथराइज सक्सेसफुल के बाद ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुल जाए। ठीक है जी, तो ये डिपेंड करता है वैल्यू टू वैल्यू। अगर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं कर रखा तो ऑथराइज सक्सेसफुल आएगा, एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है तो आपको ये चीज शो होगी। तो आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पुराना एक्सटेंशन है वो उसके अंदर कुछ और था, और जो मेरा अभी अपडेट एक्सटेंशन है वो अलग है, इसकी वीडियो में बाद में डाल दूंगा। तो ये जैसे ऑथराइज सक्सेसफुल आता है इसका मतलब आपकी एपीआई कनेक्ट हो गई। अब इतना तो आप क्लियर हो गया कि हमने एपीआई कनेक्ट कर दी। अब भाई हम माने कैसे कि हमारी एपीआई कनेक्ट हुई है और ऑर्डर लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे हम चले गए, यहां पर आपको 2 URL मिलते हैं। 2 URL कौन से मिलते हैं, एक पेपर ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है, एक रियल ट्रेडिंग करने के लिए। ये वेबहुक URL है, ये आपका रियल ट्रेडिंग का, और ये पेपर ट्रेडिंग का URL है जिससे आप पेपर ट्रेडिंग से एल्गो कर सकते हैं। अगर पेपर ट्रेडिंग में एल्गो करते हैं तो आपको कोई भी API की जरूरत नहीं होती, और रियल ट्रेडिंग में करते हैं तो आपको अपने एक्सचेंज की API की जरूरत होती है। तो अभी हम रियल ट्रेडिंग देख रहे हैं कि हमारा ऑर्डर लग रहा है नहीं, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब आपके पास एक ट्रेडिंग व्यू का ट्रायल अकाउंट होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। मैंने पहले से इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, अब मैं बता दूं कि आपके पास ट्रेडिंग व्यू का ट्रायल अकाउंट होना चाहिए। अगर ट्रायल अकाउंट नहीं है तो आप इस चीज को कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको ट्रायल अकाउंट लेने के लिए क्या करना है, आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, आपको वहां जाना है। वहां एक अजय नाम का एडमिन होगा, उसे कॉन्टेक्ट करना है। वो आपसे 150 रुपये लेगा, एक मेल आईडी लेगा, न्यू मेल आईडी देनी है, न्यू पासवर्ड देना है, एंड देन आपको 150 रुपये में ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट लेके दे देगा, जिसकी जो जो ट्रेडिंग व्यू की वैल्यू $30 है, पर वो खुद भी ट्रायल लेता है तो 150 में आपको ट्रायल लेके दे देगा। अगर आप उसे 150 रुपये नहीं देना चाहते तो खुद आप ट्रायल ले लीजिए। बस इसमें ये होता है कि आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करने के बाद ट्रायल मिलता है, और गलती से एक दिन भी ऊपर हो गया तो आपके पैसे कट जाएंगे। ठीक है जी, तो इस चीज को गौर करके आप ट्रायल लीजिएगा। अगर आप लेना चाहते हो तो फ्री मिल जाएगा आपको, बस अपना कार्ड ऐड करना है। अगर आप हमारे बंदे से लेना चाहते हो तो उसे आपको 150 रुपये पे करने पड़ेंगे, देन आपको ट्रायल दे देगा। हर महीने आप उसे 150 रुपये पे करेंगे, मेल आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, न्यू मेल आईडी पासवर्ड देंगे, हर महीने आपको वो बना के दे दिया करेगा विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर। और वो बंदा कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आप जाके वहां अजय एडमिन नाम से है, आप उसे सर्च कर लीजिएगा, आप जैसे कुछ भी मैसेज करते हो वो आपको रिप्लाई दे देगा। ठीक है जी, अब हमने पहले से ये ले रखा है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे, इसकी भी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो डालूंगा ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को कैसे यूज करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा बॉट जो कनेक्ट हुआ है वो ऑर्डर दे रहा है नहीं दे रहा। तो हम यहां जाएंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। एज ए स्टार्टिंग आप हॉरिजेंटल लाइन ले सकते हो, बट आप यहां कोई भी कंडीशन डाल सकते हो, कोई भी इंडिकेटर पे अपने अलर्ट्स लगा सकते हो। अब मैंने हॉरिजेंटल लाइन ऐड करी, राइट क्लिक करा, एंड राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहां पर वेबहुक के अंदर वेबहुक URL डालना होता है। तो मैंने अभी बाय डिफॉल्ट डाल रखा है, आप यहां से कॉपी करके लाओगे और इसके अंदर डाल दोगे, मैंने पहले से डाल रखा है। एंड इसके बाद यहां मैसेज बॉक्स में आपको वो डालना होता है कि जब आपकी कंडीशन मैच हो वो करे क्या, रिएक्शन क्या दे, बाय करे, सेल करे, या पोजिशन क्लोज करे, जो फुल्ली ऑटो ट्रेडिंग करे करे क्या। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको इधर आना है, ये बीटा सेंटेक्स का हमारा पास एक पेज है तो आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है।
इसके लिए मैं एक एक्सटेंशन बना रखा है पर वो अभी अपडेट नहीं हुआ, तो अभी के लिए आप इस पेज का यूज कर सकते हैं। ये बीटा सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स जनरेट करने के लिए पेज है कि आप करना क्या चाहते हो। तो आपको यहां पर अपना जरोधा सेलेक्ट करना है क्योंकि आप जरोधा पे कर रहे हो। अब आप करना क्या चाहते हो, हम करना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं, कवर ऑर्डर ब्रैकेट और कुछ भी। तो अभी हम रेगुलर लगा लेते हैं, यहाँ SBI सेलेक्ट कर लेते हैं, SBI NSE के अंदर ऑर्डर लगाएंगे, एक क्वांटिटी में लगाएंगे। बाय करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में आपको लिमिट ऑर्डर लेना है, मार्केट लोगे तो डायरेक्ट बाय हो जाएगा बेमतलब में, स्टार्टिंग में आप लिमिट ऑर्डर लोगे। जैसे लिमिट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ PR का ऑप्शन खुलेगा, PR का मतलब होता है प्राइस रेंज, मतलब कोई चीज 100 रुपए की चल रही है और आपको 99 की लेनी है तो आप मैनुअली 99 डालते थे पर यहां पर आपको 1 पॉइंट डालना है तो ऑटोमेटिक वो 99 में बाय कर लेगा। अगर 100 रुपए का 100 रुपए पे आपकी कंडीशन मैच हुई है तो 1 रुपए नीचे आपकी बिट लगा देगा 99 में। अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करोगे तो वो 1% नीचे लगाएगा। तो अभी हम परसेंटेज नहीं करते, MSI सेलेक्ट करेंगे, जनरेट कोड करेंगे, कोड हो जाएगा जनरेट। इसे अब आपको ऐसे सेलेक्ट नहीं करना, कॉपी इस तरीके से नहीं करना, आपको कॉपी बटन पे क्लिक करना, कॉपी हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे एंड इसको हमें यहां पर ऐड कर देना और सेव कर देना। जैसे हम सेव करेंगे यहां पर हमारा वो अलर्ट शो हो जाएगा, ये शो हो रहा है। अब हमारी कंडीशन क्या, हमारी कंडीशन ये, जब भी ये कैंडल इससे टच हो हमारी कंडीशन मैच हो जाएगी और हमारा ऑर्डर लग जाए SBI में एक क्वांटिटी का लिमिट ऑर्डर जो हमने कंडीशन बनाई। तो अभी तो ये टच होने में बहुत टाइम लगेगी लगाएगा तो हम क्या करते हैं, हम इसे जानबूझ के टच कराएंगे। और मैं आपको दिखा दूं अपना ये जरोधा का अकाउंट और यहां पर कोई भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ। अभी आप देख सकते हो कोई भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ, ये सुबह मैंने एक टेस्टिंग करी थी कॉल पुट लगा के, तो वो भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग से लगाई थी तो वो ऑर्डर लगे हुए हैं जो कि कंप्लीट हैं। तो अभी के लिए हम देखते हैं हम इसे जानबूझ के टच कराते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, जब भी हमारी कोई कंडीशन मैच होती है तो अलर्ट्स लॉक के अंदर वो कंडीशन दिखती है कि आपकी ये कंडीशन मैच हुई है, आपको कंफर्मेशन मिलती है। तो हम क्या करते हैं जानबूझ के इसे टच कराते हैं, इधर गए एंड ये हम गए बिल्कुल कैंडल के फ्रंट पे लेके आ गए। हमारी कंडीशन यही थी, जब भी एक टच हो तो इधर अलर्ट्स आए, अलर्ट्स आ गया, हम फायर्स पे गए और यहां पर हमारा ऑर्डर आ गया। आप देख सकते हो SBI के अंदर मार्केट रेट से जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 121 रुपए, 222 रुपए चल रहा है और 1 रुपए नीचे उन्होंने बिड लगा दी। इसका मतलब हमारा बॉट कनेक्ट हो गया। ये एक बेसिक था और अब मैं आपको बता दूं डेली आपको जो करना पड़ेगा ओनली फॉर, जब एक बार आप ये सारी चीजें कर देते हो, ये स्टार्टिंग की लंबी प्रोसेस है API ऐड करना वगैरह वगैरह, उसके बाद तो डेली आपको बस एक बार अपनी API को कनेक्ट करना होता है। API कनेक्ट कैसे करते हैं, डैशबोर्ड X पे जाके, इसके अंदर 2 मिनट लगते हैं डेली, बस आपको 2 मिनट देके अपनी API को एक्टिवेट करना है। उसके बाद आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे आपने अपनी कंडीशन लगा रखी है, PC बंद भी कर देते हो, आपके ऑर्डर लगते रहेंगे, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, ये मैं फिर से दिखा रहा हूं डाउनलोड एंड रिसोर्स का पेज, आपको यहां जाके एनी डेक्स डाउनलोड कर लेना है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपको इस पर क्लिक करके एनी डेक्स डाउनलोड कर लेना है और मुझे कॉल कर देनी है या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड